500 तक तो कोई भी नहीं है 250 फिफ्टी है या टू थर्टी से स्टार्टिंग है या 230 से स्टार्टिंग 230 से स्टार्टिंग है और फोर हंड्रेड कुछ की है अगर आप मैरिड है तभी आप इसको पहन सकते हैं आराम से और अगर आप कॉलेज जा रहे हैं तभी आप इसको आराम से पहन सकते हैं पहन सकते हैं तो ये मैं जल्दी से दिखाती हूँ तो टाइम वेस्ट ना करते हुए और फालतू बकवास ना करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं यार मेरे ना बहुत पिम्पल हो रहे हैं आई डोंट नो क्यू मुझे समझ नहीं आ रहा कुछ दिनों से मेरे बहुत ज्यादा फेस ना ऐसा अजीब सा हो रहा है मतलब पिंपल पिंपल हो रहे हैं और बहुत ही ऐसे डल डल हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा एनीवेज ट्रैक uh, पे आते हैं <laughs> मैं ना इधर चली जाती हूँ ट्रैक मतलब से ना थोड़ा सा बातें कर, कर, कर बातें मैं बहुत ज्यादा करती हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा भटक जाती हूँ एनी तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से लेट्स गेट स्टार्ट फर्स्ट ड्रेस है हमारी ये ऑलिव ग्रीन कलर की ड्रेस इसका जो लुक है बहुत ही बहुत ही डिसेंट लुक है काफी ज्यादा अच्छा है इसमें जो नेक है वो कुछ इस टाइप का है और वी नेक है और uh, इसमें जो पफ स्लीव्स दी हुई है ना वो माई गॉड मेरे को पफ स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा पसंद है puff sleeves और सिर्फ पफ स्लीव्स हो और साथ ही लॉन्ग स्लीव्स हो वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है न? आगे से जो ऐसी इलास्टिक्स लगी होती है ना ये काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आती है पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है एंड आई रियली लाइक हाउ द प्लीट्स मेक द ड्रेस लुक सो स्टाइलिश एंड सो एलिगेंट एंड गिविंग इट अ नाइस शेप बहुत ही डिसेंसी है ऑल्सो इसका जो कलर है ना वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा बहुत ही ज्यादा तड़कता भड़कता नहीं है बहुत ही ऐसा uh, मतलब आंखों में चुभने वाला कलर नहीं है तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड नी लेंथ से थोड़ा नीचे ही इसकी लेंथ है तो काफी अच्छे से है तो जो वेस्ट एरिया है वो भी काफी ज्यादा अच्छा आया है एंड सबसे अच्छी बात जैसा पिक्चर में दिया हुआ है ना वैसा सेम आया है तो ये तो सबसे अच्छी बात होती है इसका जो फैब्रिक है वो है क्रेप फैब्रिक एंड सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है मुझे वैसे इसका साइज लेना चाहिए था एक्स्ट्रा स्मॉल बट पता नहीं मैंने क्यों स्मॉल साइज ले लिया लेकिन स्मॉल साइज भी मुझे काफ़ी हद तक फिट आया है मतलब काफ़ी सही आया है आप ऑन में देख सकते हो कि काफ़ी सही आया है मुझे आ, और इसका वैसे अगर आपको लेना है तो एक्स्ट्रा स्मॉल भी ले सकते हो वो भी बेस्ट ऑप्शन है और इसका जो प्राइस है वो है फोर थर्टी एट रुपीज अब रिसेंट प्राइस इसका क्या होगा वो मुझे नहीं पता लेकिन फोर थर्टी एट रुपीज में मैंने इसको लिया है एंड मेरी तरफ से इसको मैं दूंगी टेन में से टेन मार्क्स मैंने सारे कपड़े ट्राई कर करके ना उल्टे कर रखे हैं मैं इतनी ज्यादा थक गई हूँ ना कि मेरी बोलने की हिम्मत नहीं है रात के तीन बज रहे हैं रात बोलू सुबह बोलूँ सुबह नहीं रात ही हो रही है वैसे तो सुबह होने वाली है एक घंटे में मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा और मैंने अभी तक एडिटिंग भी नहीं किया और ये वीडियो मुझे आज सुबह ग्यारह बजे तक डालनी ही डालनी है कैसे भी <laughs> तो चलो दिखाती हूँ हमारी ग्रे कलर की ड्रेस जो कि रुक जाओ सेकेंड ये है हमारी ग्रे कलर की ड्रेस जो कि काफी ज्यादा प्रिटी है एंड इस पे जो प्रिंट हो रखा है वो है रेड एंड येलो का कॉम्बिनेशन एंड ब्लू भी थोड़ा बहुत मिक्स है इसमें और काफी ज्यादा प्यारा और प्रटी सा लग रहा है अगर आप मैरिड हो ना तो भी आप ये वाला ट्राई कर सकते हो या फिर आप अगर कॉलेज जा रहे हो या फिर ऐसे थोड़ा बहुत आसपास भी जा रहे हो ना वहाँ इसको ट्राई कर सकते हो मैंने ऐसी हॉलीवुड मूवी में देखी है किसी बट मुझे याद नहीं आ रही कि मैंने कौन सी मूवी में देखी है क्योंकि इस टाइप का जो नेक होता है ना वो मैंने ऐसी ही मूवीज में देखा है ये जो फ्रेल टाइप का नेक होता है ना ये थ्री लेयर्स में है और काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है ये एंड uh, इसके साथ जो पफ स्लीव्स है अगेन इसमें पफ स्लीव्स है और लॉन्ग स्लीव्स है तो ये मुझे तो काफी ज्यादा पर्सनली पसंद है तो इसके लिए तो मैं हमेशा हाँ ही बोलूंगी एंड uh, पीछे से बैक साइड में ना इस तरह का वुड वाला बटन दिया हुआ है तो आप इसको खोल के फिर पहन सकते हो ये बिल्कुल पूरा बंद गले का है तो इसके साथ ना आपको यह तो बाल पूरे प्रॉपर खुले रखोगे ना तो वो बहुत ही ज्यादा अजीब हो जाएगा आपके लिए या तो आप बालों को थोड़ा सा पीछे की तरफ सेट कर लीजिए या फिर आप पोनी टेल भी बना सकते हो वो भी काफी अच्छी लगेगी इसके साथ एंड इसको ना मैंने देखा कि पॉइंटेड हील के साथ काफी पहना जाता है तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी नी लाइन से नीचे की है ए लाइन टाइप की ये ड्रेस है और बहुत ही सिंपल सोबर और बहुत ही प्यारी सी ड्रेस है इसका जो फैब्रिक है वो क्रेप फैब्रिक है सी थ्रू बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल भी नहीं तो मैंने लिया है एक्स्ट्रा स्मॉल साइज में मीशो के साइज चार्ट के हिसाब से आ, अगर आपका एक्स्ट्रा स्मॉल इसमें दिखाया हुआ था कि थर्टी फोर अगर आपका बस साइज है तो आपको ये इजिली आ जाएगी अगर आपका थर्टी फोर साइज है तो आप ले सकते हो इसको बट बट मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना मतलब मीशो वालों पे पता नहीं मीशो वालों पे मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है लाइक like, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है यार आउट ऑफ स्टॉक हो रखा है काफी uh, सामान तो मेरे को ना कई बार ना काफी सारा सामान ना आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है और मैं आप लोगों को रिव्यू देती हूं। और मैं आप लोगों को रिव्यू करती हूँ और मैं जब मुझे उसका लिंक देना होता है ना तो वो आउट ऑफ स्टॉक लिखा आ जाता है ना तो मैं शेयर नहीं कर पाती मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि यार देते ही क्यों यार इतनी ज्यादा या तो लिख के रखा करो कि वहां पे इतना ही स्टॉक बचा है बट क्या करूं मैं मुझे समझ नहीं आ रहा था तो अस uh, अ yes, uh, इसको मैंने लिया था थ्री सेवेंटी रुपीज़ में अगर आप में से किसी को भी ये ड्रेस चाहिए होगी ना तो मुझे इंस्टाग्राम पे डी कर देना फ्री में नहीं दूंगी कम प्राइस में दूंगी मजाक मतलब कर मतलब मजाक नहीं करी बट कम प्राइस में मैं आप लोगों को ये दे दूंगी क्योंकि मैंने थ्री सेवेंटी की लिया है और मैं यहाँ पे लगा दूंगी मैंने थ्री सेवेंटी की ही लिया है और इससे थोड़ा कम प्राइस में मैं आपको आप लोगों को दे दूंगी बिकॉज मैंने अब भी जस्ट एक ट्राई करना होता है ना ड्रेस को जैसे हम मॉल जाते हैं वहाँ पे भी हम ट्राई करते हैं तो मैंने उसी तरह से ट्राई किया है एंड बस इससे ज्यादा मैंने इसको पहना नहीं है फिर भी मैं आप लोगों को कम प्राइस में ये दे दूंगी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम हैंडल मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी उस पर तो जो नेक्स्ट ड्रेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना वो मुझे काफी ज्यादा पसंद आई है लाइक काफी ज्यादा पसंद और वो है येलो मतलब येलो नहीं है प्रॉपर मस्टर्ड कलर की है और मस्टर्ड कलर की ये वाली ड्रेस ओ माय गॉड इसका जो नेक है वो वी नेक है लेकिन इसकी जो स्लीव्स है ना वो बहुत ही यूनिक स्लीव्स है आप इसको बर्थडे पार्टी में भी पहन सकते हो ब्रंच पे जा रहे हो तब भी आप पहन सकते हो डेट पे जा रहे हो तब भी आप पहन सकते हो इस तरह की ये प्यारी सी ड्रेस है और इसकी जो फ्रिल्स है ना ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है जो साइड में ये स्लीव्स लगाई हुई है ना इनकी जो फ्रिल्स लगाई हुई मैं एंड ये काफी लॉन्ग है ये वेस्ट साइड तक फ्रिल्स लगी हुई है आगे और पीछे दोनों साइड है हाफ स्लीव है वैसे लेकिन उसको कवर कर रहा है ये मतलब शोल्डर्स को ना आपके बहुत अच्छे से कवर कर रहा है एंड uh, इसमें नीचे अगेन स्लीव्स दी हुई है काफी अच्छी सी प्लीट्स का वर्क ना काफी ज्यादा अच्छा किया हुआ है इसमें तो uh, कुछ भी नहीं है बहुत ही सिंपल सी है और बैक साइड से इस तरह से है और इसके साथ ना आपको बेल्ट भी दी हुई है तो मुझे बेल्ट आगे बांधना तो पसंद नहीं है लेकिन हाँ मैंने बैक साइड में इसमें नॉट बांधा हुआ है तो वो बहुत ही अच्छा लग रहा है लेंथ से नीचे है तो आप अपने स्ट्रिक्ट पेरेंट्स के सामने भी पहन सकते हो सो so, यस yes, मेरी तरफ से बिग बिग यस है इसका साइज मैंने लिया था मीडियम साइज और इसका प्राइस था थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज काफी अच्छी डील है आ, मतलब मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगी नेक्स्ट वाली ड्रेस मैंने पहनी हुई है क्योंकि मैंने जस्ट अभी अभी शूट खत्म किया था तो ये पिंक कलर की ड्रेस है जिसका मैंने इतना ज्यादा यू नो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी अच्छी निकलेगी मैंने इसको सबसे लास्ट में खोला बिकॉज जो पैकेजिंग होती है ना इसकी वो देख के ना मुझे ऐसा लगा यार ये सबसे बेकार लग रही है तो इसको ना सबसे एंड में ही खोलूंगी लेकिन ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई और इसका कलर इतना ज्यादा प्यारा सा पिंक है ना जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट सा होता है ना वो वाला पिंक लग रहा है मुझे काफी ज्यादा प्यारा है यार एंड इसमें ये इलास्टिक्स लगी हुई है इसको आप ऐसे ऊपर भी कर सकते हो ठीक है <laughs> और आप इसको ऑफ शोल्डर भी बना सकते हो आप इसको इतना हाफ भी रख सकते हो ठीक है और आप इसको पूरा ऑफ शोल्डर भी बना सकते हो मुझे ये ऑफ शोल्डर भी अच्छा लग रहा है मुझे ये तीनों में वे में अच्छा लग रहा है एंड ऊपर से इस तरह की एक लेयर लगाई हुई है फ्रिल्स की एंड ये बो टाइप का यहाँ पे बांधा हुआ है फ्रंट में और ये ऐसे है ये बांधने के लिए नहीं है ये ऐसे पहले से ऑलरेडी स्टिच होके आ रखा है जो ये पूरा ऊपर वाला पार्ट है ना वो पूरा इलास्टिकेटेड है एंड बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है इसे चुभने वाला बिल्कुल भी नहीं है एंड नीचे से जो फ्लेयर है ना वो पूरी प्लेन है और नींद से नीचे है तो काफी ज्यादा सही लग रहा है एंड इसकी स्लीव भी काफी ज्यादा अच्छी है फुल स्लीव है अगेन इसकी स्लीव भी फुल स्लीवस है एंड काफी डीसेंट सा है ये बहुत ही ऐसा बारबी वाला लुक दे रहा है तो काफी ज्यादा मुझे मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी है एंड इसका प्राइस भी सबसे कम है टू एटी थ्री में मैंने इस ड्रेस को लिया है और इसका साइज है मीडियम साइज लेकिन फिर से वही बदतमीजी इन लोगों ने आउट ऑफ स्टॉक हो गया मैं क्या करूँ पता मतलब मुझे ऐसा हो रहा है यार मैं क्या क्यों बना रही हूँ आज की वीडियो जब आउट ऑफ स्टॉक हो ही गया है तो क्या रिव्यू दे रही हूँ मैं लोगों को क्या ही समझगा मतलब क्या सोच के आप मतलब ये ड्रेसेस देख के आप क्या खरीदोगे फिर कुछ भी नहीं खरीदोगे लेकिन हाँ अगर आप लोगों को मेरी इन चारों ड्रेसेस में से कोई भी ड्रेस पसंद आ रही है और अगर, अगर आप अगर आपको लेना है तो मैं कम प्राइस में आपको दे दूंगी आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो सो so, येस yes, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और शेयर कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मन हो तो कर देना नहीं हो तो कोई बात नहीं और लाइक भी मन हो तो करना वरना कोई बात नहीं शायद नेक्स्ट वीडियो कुछ ऐसी आ जाए जो आउट ऑफ स्टॉक वाली ना हो मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है लोगों को रिप्लाई करते करते कि यार वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई आई एम रियली सॉरी मुझे बुरा लगता है यार तो ठीक है कोई बात नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय